गोरखपुर न्यूज के क्रिएटिव हेड और गरीबों के मसीहा स्वर्गीय सुरेंद्र बहादुर सिंह उर्फ गुड्डू सिंह को उनके पैतृक स्थल वीर बहादुर सिंह पीजी कॉलेज हरनही महुआ राव में शुक्रवार को पिता गुलाब सिंह द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। समाज सेवी और प्रबंधक वीर बहादुर सिंह पीजी कॉलेज हरनही महुआ राव स्वर्गीय सुरेंद्र बहादुर सिंह उर्फ गुड्डू सिंह को परिवार के सदस्य और स्थानीय जनप्रतिनिधियों सहित विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाएं और छात्र छात्राओं ने नम आंखों से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित किया। श्रद्धांजलि सभा के अवसर पर सभा में उपस्थित गणमान्य लोगों ने मृत आत्मा को याद करते हुए अपने अपने विचार रखे। श्रद्धांजलि सभा के अवसर पर गरीब और असहाय ग्रामीणों को निःशुल्क कंबल उनके पिता गुलाब सिंह द्वारा वितरित किया गया। श्रद्धांजलि सभा का आयोजन पिता गुलाब सिंह, पूर्व अध्यक्ष जिला परिषद, पत्नी अंशु सिंह, पुत्र आयुष कुमार सिंह, पुत्री राशि सिंह के द्वारा विद्यालय परिसर में किया गया। स्वर्गीय गुड्डू सिंह के श्रद्धांजलि सभा में गणमान्य जनप्रतिनिधि, स्थानीय राजनीतिक दल के लोग, विद्यालयों के शिक्षक शिक्षिकाएं, छात्र छात्राएं और गुड्डू सिंह क्रिकेट एकेडमी हरनही के सदस्य मौजूद रहे। बातचीत कर रहे हैं, असामयिक उनका निधन हो गया था, जिसके द्वितीय पुण्यतिथि मनाई जा रही है। बहुत कम समय में उन्होंने जितना काम इस क्षेत्र के लोगों के लिए, अपनी एक सोच के हिसाब से इस क्षेत्र के विकास के लिए, शिक्षा से जुड़े, बहुत ही कम समय में हम लोगों के बीच से आज इस स्वर्गीय सुरेंद्र बहादुर सिंह के आज वीर बहादुर सिंह महाविद्यालय हरनही महुराओं में आयोजित, वो हम लोगों के बस में नहीं था, उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया जा रहा है। सुन रहा था जमाना तुम ही सो गए दास्ता कहते कहते। एक परिचय में सुरेंद्र बहादुर सिंह के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि सुरेंद्र बहादुर सिंह और गुड्डू बाबू का जन्म गोरखपुर जनपद के ग्राम महुरा में, हरनही पोस्ट महुरा जनपद गोरखपुर के उत्तर प्रदेश में 29 दिसंबर 1972 को श्री गुलाब सिंह जी के पुत्र के रूप में क्षत्रिय परिवार रघुवंशी वंशज में हुआ। इनके माता का नाम सुरमती देवी था। यह बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि वाले थे। इनकी शिक्षा दीक्षा लखनऊ और इलाहाबाद में हुई और गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर से हिंदी विषय में एमए साहित्य की उपाधि प्राप्त की थी। यह बोलचाल की भाषा में हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया करते थे। शिक्षा में इनकी काफी अभिरुचि थी। इनका पारिवारिक जीवन राजनैतिक था और इसके वजह से यह राजनीतिक दिशा में काफी कुछ कर रहे थे। साथ साथ इनके बड़े पिता स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं भारत सरकार के संचार मंत्री रहे। पिता श्री गुलाब सिंह जी जिला पंचायत अध्यक्ष, पीसीएफ के चेयरमैन, खजनी विकास खंड के कई बार ब्लॉक प्रमुख एवं माता सुरमती देवी जी भी खजनी विकास खंड की प्रमुख थी। इससे प्रभावित होकर के यह राजनीतिक जीवन में सक्रिय भूमिका का निर्वाह करते थे और क्षेत्रीय जनमानस के लिए राजनीतिक रूप से अहम भूमिका निर्वाह करते हुए सामाजिक परिवेश में लोगों का योगदान दिया करते थे। सुरेंद्र बहादुर सिंह की पत्नी श्रीमती अंशु सिंह जी काफी व्यवहार कुशल महिला है। इनका दाम्पत्य जीवन काफी सुखमय रहा है। आपसी संबंध सौहार्दपूर्ण था। इनके एक पुत्र आयुष कुमार सिंह, पुत्री राशि सिंह,
हैं जिनकी शिक्षा लखनऊ में चल रही है, बच्चों का लालन पालन करते हुए सामाजिक कार्यों को करते हुए एक काफी खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे थे। सुरेंद्र बहादुर सिंह ने भाजपा एवं बागपुरता के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे और एक सामाजिक मिलनसार व्यक्ति थे। साथ साथ पारिवारिक जीवन अच्छा चल रहा था, लेकिन ईश्वर की कृपा कहा रही कि यह भूल होते हुए सुरेंद्र बहादुर सिंह समयावधि के पहले ही विभिन्न स्थितियों से गुजरते हुए इस स्थिति को प्राप्त किए। सुरेंद्र बहादुर सिंह ने शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, पिता के द्वारा संचालित संस्थाओं को नए विषयों और पाठ्यक्रमों से आगे बढ़ाने का काम एवं फिर बहादुर सिंह पीजी कॉलेज में स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रम को संचालित करने, काम की मान्यता प्राप्त करने हेतु काफी प्रयास किए और संचालित कराए। नए महाविद्यालय भी बहादुर सिंह स्मारक महाविद्यालय शहर हरिहरपुर का भवन निर्माण कराकर बीए और बीकॉम की मान्यता प्राप्त कर संचालित कराए। हरनही में भी बहादुर सिंह बीटीसी कॉलेज की स्थापना कराकर संचालित कराए और सेंट एंड पब्लिक स्कूल हरनही मोहम्मद गोरख की स्थापना कराए और संचालित कराए। बहुत कम ही समय में ये सभी उपलब्धियां उन्होंने हासिल किया। इसके साथ साथ भी बहादुर सिंह महिला महाविद्यालय संजय गांधी पूर्व लखनऊ के संचालन में उन्होंने योगदान देते रहे। सभी शिक्षण संस्थाओं का कुशल संचालन इनके नेतृत्व में चल रहा था। इनकी माता की मृत्यु श्रीमती देवी की मृत्यु 2014 में होने के उपरांत उन्होंने उनकी स्मृति में हरनही में पेट्रोल पंप श्रीमती देवी किसान सेवा केंद्र हरनही के नाम से स्थापना कराकर संचालित किए। तय भाग को देखा नहीं गया। इस दशा में सुरेंद्र बहादुर सिंह उपाध्याय का तबियत 15 जून 2016 को लखनऊ आवास पर खराब हुआ, जिनके इलाज के लिए मेयो हॉस्पिटल लखनऊ में भर्ती कराया गया। जांचों उपरांत डॉक्टरों ने बताया कि ब्रेन ट्यूमर हो गया, जिसका ऑपरेशन करना होगा। ऑपरेशन इलाज हेतु 20 जून को मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव दिल्ली को ले जाया गया और 16 जून को ऑपरेशन होने के उपरांत स्वास्थ्य सामान्य हो गया, इलाज चलने लगा। लेकिन पुनः 5 अक्टूबर 2016 को स्वास्थ्य खराब होने के कारण मेदांता में भर्ती कराया गया तथा डॉक्टरों ने जांचों उपरांत ब्रेन ट्यूमर को कैंसर संक्रमण बताया, जिसके इलाज चलने में सुधार नहीं हो रहा था, जिसके लिए 19 अक्टूबर को फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान 23 नवंबर 2016 को शाम 4:30 बजे इनकी देहावसान हो गया और इस खबर को सुनते ही सभी संबंधी और क्षेत्रीय जनमानस में शोक छा गया। सामाजिक शैक्षणिक अवदान निराशमय रहेंगे। ऐसे महान व्यक्ति को हम सतत नमन करते हैं और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और इस विद्यालय महाविद्यालय और बहुत से विद्यालय महाविद्यालय हैं जिसके आप प्रबंधक संरक्षक अध्यक्ष श्री गुलाब सिंह जी, इस विद्यालय महाविद्यालय के प्राचार्य चौरसिया जी, श्री हमारे बहुत ही प्रिय और गुड्डू बाबू के साले श्री हनुमान सिंह बघेल जी, राजा भैया जो इलाके के बहुचर्चित व्यक्ति हैं, डॉक्टर बी एस सिंह जी इस जिला पंचायत के सदस्य और हम सब लोगों के साथी श्री हरि यादव जी, सम्मानित मित्रों तथा दोस्तों, आज के दुखद घड़ी में दूसरी पुण्यतिथि मनाने हम सब लोग एकत्रित हुए हैं, जिस दिन गुड्डू बाबू का निधन हुआ लगता था इस इलाके में कोई चक्रवात आ गया है। कोई व्यक्ति नहीं मिला, जो अगर मिला होगा या सूचना आई होगी, सबकी आंखें नम दिखाई पड़ी। समाज में एक आध लोग असहमत भी रहते हैं, लेकिन उन लोगों की भी आंखें नम हो गई। ऐसा अद्भुत व्यक्ति, ऐसा अद्भुत व्यक्तित्व अपने कम उम्र में हम अपने
70-71 साल के उम्र में अब तक नहीं देखे हैं। भाषा से इतने सुलझे हुए व्यक्ति थे कि अपने कर्मचारी से लेकर के अपने बड़े से बड़े लोगों का या तो आप कह करके कहा बात किया करते थे या चरण स्पर्श करके बात किया करते थे और अपने काम के प्रति बहुत ही लगन रखते थे। आज का समय बड़ा दुखद है। श्री गुलाब सिंह जी जो उनके पिता हैं, किस तरह से इस दुखद घड़ी को झेलने की साहस किए हमें खुद ही विश्वास नहीं हो पाता है। जिस क्षण आज भी जिस क्षण गुड्डू बाबू का नाम उनके सामने आता है आंखें एकदम आंस गिरने लगता है और सब हम सब लोग ढाढ़स बढ़ाने का काम करते हैं। हम आज श्री गुलाब सिंह उनके पत्नी श्री अंशु सिंह और आयुष सिंह को पहले भी हम लोग रहा करते हैं और आज भी ये कहना चाहते हैं ये परिवार हमारे ऐसे व्यक्ति को जब भी पुकारेगा ना भी पुकारेगा तो हमारे ऐसे लोग बराबर तत्पर रहेंगे, सहयोग करेंगे और हर समय जितनी भी निष्ठा रहेगी उस हिसाब से हम लोग मदद करने का काम करेंगे। आज के इस सदस्य सभा के दूसरे सदस्य सभा के अध्यक्षता कर रहे हैं बाबू गुलाब सिंह जी, मंजल सिंह हमारे भांजे और आप सभी सम्मानित क्षेत्र की जनता, जिस व्यक्तित्व की यहाँ पर श्रद्धांजलि सभा की जा रही है ये कभी भी वो सोचते थे बात करते थे तो आप ही उनके बारे में बात करते थे और किसी को भी कोई बात कहनी होती थी बेझिझक उनसे कहता था। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसको उन्होंने कभी नाराजगी से उनसे मिला हो वो मुस्कुरा के ना मिले। मुझको नहीं लगता है कि ये विरले व्यक्ति तो मिलता है, हम लोग तो तुरंत रिएक्ट करते हैं। जब कोई व्यक्ति बोलता है तो तुरंत उसका रिएक्शन उसी हिसाब से करता है, लेकिन वो किसी से भी मिलते थे हम लोग हमको कभी कभी लगता था कि अरे बुड्ढो बाबू ये करिए कैसे कहते ना भी है ठीक है कोई बात नहीं। ये चीजें उनके व्यक्तित्व में था तभी आप लोग उपस्थित भी हैं। ये दूसरी श्रद्धांजलि है, श्रद्धांजलि सभा है। इस पीड़ा में हम लोग हैं, हम लोग परिवार में हैं, हम लोग जानते हैं कि मुझसे ज्यादा पीड़ादायक कौन है, उससे ऊपर कौन है, हम तो अपने आप को चौथे नंबर पर मानते हैं। क्योंकि इनके बीच में जब आते हैं आप लोग का संबंध जब पाते हैं तो लगता है कि हैं चीजों को याद करने वाले, क्योंकि आप लोग महसूस करते हैं इतनी आम जनता नहीं किसी, क्योंकि मरने के बाद बहुत लोग बुला दिए जाते हैं। इसी क्षेत्र के तमाम लोग हम जानते हैं, राजनीतिक व्यक्तित्व लोगों को जानते हैं जिनको लोग देखते हैं उनके न रहने के बाद कोई अगल बगल दिखाई नहीं देता है। आप लोग उनके व्यक्तित्व से कृतज्ञ हैं, हम लोग खुद भी आपकी कृतज्ञता से हम लोग खुद कृतज्ञ हैं और हम लोग की कोशिश यही रहेगी कि जो उनकी सोच थी जो उन्होंने यहाँ पे चीजों को बढ़ाया बाबू गुलाब सिंह जी के बाद तुरंत वृद्धि की उन्हीं के साथ, अब फिर उनके पास वो जिम्मेदारी आ गई। ये तमाम धर्मों की बात हो रही है, सबसे बड़ा कष्ट जो होता है वो मुझको लगता है यही सत्य भी है कि किसी पिता के जीते जी उसके पुत्र के नारा इससे बड़ा कोई सुख होता नहीं है। उस पर भी अगर कोई लारिंग बेटा हो, क्योंकि मुझको नहीं लगता है कि कभी भी बुद्धू भाव ने चाहे कुछ भी अध्यक्ष जी ने बोला हो तो उसका प्रतिकार किया हो और उनकी पीड़ा को हम लोग समझ रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। नालायक बेटा होने के बाद भी लोग कहते हैं कि भाई चलो कोई बात नहीं, घी का लड्डू था भी टिढ़ा था तो भी अपना था, उनके अंदर कोई अब और वो निकाल ही नहीं सकते थे। व्यक्तित्व हो
कृतित्व हो, व्यवहार हो, वाकपटुता हो, अपनी बातों से लोगों को मनवाने के लिए सबसे बड़ी बात उनके अंदर थी मुस्कुराता हुआ चेहरा। आप सबके अंदर एक बात की झलक आ जाती होगी कि वो जब मिलते होंगे तो आपको किस तरह से मुस्कुराते हुए मिलते हैं। और सबको भैया, कभी चाचा, कभी इस तरह की भावना नहीं रहती थी जिसके कारण से आपको ये लगता, क्योंकि हम देखे हैं तो हमको लगता था कि भाई ठीक है, ये तो क्षेत्र के लोग हैं, बात कर रहे हो भाई, हम लोग के लिमिटेशन है, नहीं आदमी कर सकता है, नहीं बोल सकता है, लेकिन बातें हैं। अब हम लोग यहाँ पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं तो श्रद्धांजलि का मतलब यही है कि आप लोग एक हम लोग को सम्मान दें और उनकी सच्ची श्रद्धांजलि वही होगी जो उनके कृतित्व को आप लोगों के सहयोग से हम लोग उत्तरोत्तर वृद्धि करें, क्योंकि अगर जन्म मृत्यु इस तरह की कोई है बातें, उनको भी लगे, महसूस हो कि जो आया है वो जाता है, महसूस हो कि साहब हमने कुछ किया है, तो लोग कितने लोग भी हमारे लिए कर रहे हैं, दो कदम आगे बढ़ा रहे हैं। बाकी तो जो चीजें पैर उन्होंने खड़ा किया वो चीजें हैं, पता है, सिस्टम है, वो खड़ा होकर चलेगा। आप श्रद्धांजलि सभा में आए, उनको भी हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं, इसके लिए हम अपने तरफ से आभार व्यक्त करते हैं और आप सभी को इस बात का विश्वास दिलाते हैं कि कम से कम उनके द्वारा किए गए कृत्यों से आप लोग को इस परिवार से किसी भी तरीके से कष्ट नहीं होना होगा कि गुड्डू बाबू नहीं रहे, रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता है, लेकिन उसी तरह का सम्मान, उसी तरह से व्यवहार मिलेगा। इसी के साथ ही श्रद्धांजलि सभा में आप सभी का अनेक धन्यवाद। द्वारा किया जा रहा है, आप लोग एक लाइन, आप लोग ये बता दीजिए कि पीछे वाले पंडाल में जो लोग कमर भोजन कर रख दो आने लगाओ करिए भैया, आप हाथों लगाओ करिए, आइए बात कीजिए। खाना खा के जाए।
चलो बढ़ो चलो जी बढ़ो जी भंडारा में हमारे।